नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है इस संडे लाइव विद मोहित में। कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, आ जाओ जी, लाइव चैट शुरू हो गया है जी। जरा जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। और मुझे पहला हाय आया है यश नाई का। हेलो यश नाई, हाय हर्ष भालेकर, हेलो पाप्या बैत पात्रानीमा, हाय रजिया राजी, हेलो सचिन खांडे, हेलो दर्शन कलाल, कैसे हो कैसे हो, लाइव आ जाओ जी। हेलो आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता शानदार एडिटर है, मतलब शानदार भी बहुत छोटा वर्ड है उसकी उसके टैलेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। उसकी वीडियोस तुम अगर यूट्यूब पे देखो ना, जो उसने एडिट कर करके बनाई है सरप्राइज वीडियोस, वो मतलब किलर किलर। रमशा खान लव यू टू। पंकज सोहाला कह रहे हैं रिप्लाई ब्रो, हाय पंकज सला। ईशानी नामदेव यही है, हाय क्यूटी, बुरे कहाँ, बहुत अच्छे हो आप तो। अरे गाना ये कहता है, जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यही, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, है ये आसान जानना, मुझसे अगर तुम पूछो, है हम तुम्हारे के नहीं। तेरी आंखों का जादू, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। शुभांगी शर्मा कह रहे लव यू सो मच, आई लव यू टू शुभांगी। दर्शन कलाल पूछ रहे भैया दिवाली कैसी रही, बहुत शानदार रही, बहुत शानदार रही दर्शन भाई। हुआ क्या यहाँ पे ना, मतलब हर बार होता ना दिवाली पर घर जाते हैं, इस बार घर मेरे पास में आ गया मुंबई, तो मेरे जो छोटी बहन है और जो मेरा छोटा भाई है रोहन और भव्या, वो दोनों यहाँ मुंबई में आ गए। तो अभी आधा घर यहाँ पर था, मॉम डैड वहाँ पे थे घर, मतलब तो मॉम डैड जयपुर में थे, तो ये समझ लो आधी फैमिली के साथ में हमने यहाँ पे पूरी दिवाली मनाई साथ में। और सबसे शानदार बात है कि मैंने तुमको बताया था ना, नए घर में अपन शिफ्ट हो गए, तो नए घर में शिफ्ट हो गए और सबसे पहला नया घर का खाना, टेस्टी खाना, जो मुझे खाने का बहुत शौक है, जैसे तुमको मैंने बताया था, तो खाने का मेरा शौक पूरा किया मेरे छोटे भाई बहनों ने। यार वो दोनों बहुत ही अमेजिंग कुक हैं, तो भव्या ने बहुत शानदार सी मतलब एक रेसिपी बनाई थी, खिचड़ी कह सकते हैं उसको, पता नहीं उसका खुद का अलग इन्वेंशन था वो, तो उसने बहुत शानदार खिचड़ी बनाई थी और बहुत ही शानदार दाल भी बनाई थी, दाल और रोटी, मुझे दाल बहुत पसंद है। और आज रोहन ने और दाल चावल बनाया, उसको कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो दोनों अभी मेरे को भरपेट खिला रहे हैं, मेरे मतलब खाने पीने का गुजारा उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो सुरभि चौहान कह रही हैं यू आर सो क्यूट यार, थैंक यू यार सुरभि। पत्रानी वगैरह तुम इतना सारा क्यूट हो, अच्छा थैंक यू पत्रा। यार बताओ, एस रोजलिन प्रस्टी कह रहे हैप्पी दिवाली, हाउ वाज योर दिवाली, शानदार रही। संगीता आर्य कह रहे यम्मी यू फूडी, हाँ यार अपन को बहुत पसंद है खाना। और कविश सेनानी कह रहे हाय मोहित भैया, वी हैड अ कन्वर्सेशन एनआरएस भैया का, उदयपुर वाला स्टंट वाला फ्रेंड। बिल्कुल कविश भाई, कैसे हो मेरे एनआरएस के उदयपुर वाले स्टंट वाले दोस्त। विपाशा पाठक कह रही यू आर सो क्यूट डियर, अरे यार थैंक यू विपाशा पाठक, थैंक यू। भार्गवी आइंदला कह रहे कैन यू से हाय टू मी, हाय। आकाश गौत कह रहे भाई गलत बात है यार, संडे पे मैसेज करता हूँ बट कभी रिप्लाई नहीं, देखो भाई आज कर दिया क्योंकि आज मुझे आपका कमेंट दिखा फाइनली। आदर्श एडी राजपुरोहित कह रहे है ही दादा। तानिया गिरी कैसी है तानिया, तुम भी सीख लो कुकिंग, इट्स फन। नहीं यार तानिया, मेरे को ना कुकिंग से ज़्यादा मेरे को खाने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं खाने वाला भी होना चाहिए ना, मतलब इसलिए मैं सिर्फ खाने का काम है अपना। भाविन सोलंकी कह रहे हाय ब्रो हाउ आर यू, कब आ रहे हो भाई अहमदाबाद, भाई हमारा सेल्फी बाकी है भाई, मैं तो मुंबई आ जाता हूँ। आ जाओ भाई,
अरे तुम मुंबई आ जाओ, मैं अहमदाबाद आऊं नहीं आऊं अभी, लेकिन आप मुंबई जरूर आ जाओ। दीपा जोशी कह रही है मुझे भी रिप्लाई कर दो मोहित, व्हेन यू आर कमिंग टू देहरादून क्यूटी। यार दीपा मैं तो मतलब देहरादून तो यार मैं पता नहीं आऊंगा कभी, आई होप देहरादून आऊंगा, मस्त घूमूंगा शानदार। माही बंसल कह रही है आई एम हैविंग फीवर बट मैं आपसे चैट करने के लिए ऑनलाइन हूँ। अरे माही क्या बात है, तू अपना ध्यान रख यार, जल्दी से ठीक हो जा बस फटाफट से, फिर नेक्स्ट संडे को जब लाइव चैट में आए तो ये बता कर आना कि ठीक हो गई हूँ इसलिए मैं लाइव चैट पर आई हूँ। कृष्णा कोटक आपको मोहित। क्या शानदार कमेंट है, आपको मोहित, क्या आपको मोहित, आपको मोहित डॉट 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 डॉट। और नील पटेल हेलो भाई, मोहित भाई मिस यू, कैसे हो, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। नील पटेल भाई आप कैसे हो। धीरज कुमार बिरला कह रहे सर प्लीज वन टाइम सिंग द कपकेक सॉन्ग, के रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी। ममता सोनी का कमेंट आया, आज उनका बर्थडे है तो बर्थडे वाली गर्ल तू सबका कप केक है, केक है। और आज तो तेरी बर्थडे में मिला भी केक है, नहीं मिला केक, केक नहीं काटा आज सुने है। हैप्पी बर्थडे किसका था बर्थडे, वो ममता, ममता सोनी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे ममता, ममता सोनी। सोनी तेरी चाल सोनी वे टकटा होय, लग दी कमाल सोनी वे। गुरु भाई वो सॉन्ग प्लीज सुना दो एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। रवि दुबे कह रहे हैं कौन सा सॉन्ग भाई। ईशानी नामदेव कह रही है कभी नहीं प्लीज बना लो ना प्लान, देहरादून इज अ लवली प्लेस, विल एंजॉय बीइंग हियर। पक्का ईशानी, देहरादून तो यार है ही, मतलब सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है अपनी कंट्री की, तो वहां मैं जल्दी आऊंगा, आई होप जल्दी आना हो। श्वेता बिष्ट कह रहे हैं यानी हैप्पी दिवाली मोहित, आपको भी श्वेता बिष्ट। अब तुम सब बताओ मुझे यार कैसी रही तुम्हारी दिवाली, तुम सबने क्या मस्ती की है, क्या मजे किए। और एक और बात तुमको बताने की थी, और मतलब मैं पोस्ट देख रहा था, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि से नो टू क्रैकर्स, मतलब दिवाली के लिए सब ऐसा कहते हैं, तो मतलब तुम सबको क्या लगता है दिवाली के टाइम इस तरह से मतलब पटाखे छुटाने चाहिए क्या, मतलब यूज करने चाहिए क्या। और मैं जब तक तुम कमेंट करोगे तब तक मैं अपना बताता हूँ कि मेरे को शायद 8-9 साल हो गए हैं मैंने मतलब कभी क्रैकर्स और फटाके नहीं फोड़े दिवाली पे, क्योंकि 8 साल पहले मुझे ऐसा लगता था मतलब बहुत ज़्यादा कि यार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस टाइम, तो मतलब ऐसा ये सब मैं बहुत पढ़ता था और मेरे को इफेक्ट होता था ये, तो मैंने कहा कि मैं अब से फटाके नहीं छुटाऊंगा कभी। तो मेरे को 8-9 साल हो गए मैंने शायद मतलब कभी क्रैकर्स नहीं फोड़े दिवाली पे। हाँ दिए जलाता हूँ, हाँ पूजा करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो मतलब खुद को अच्छा लगता है। एक बार हमने कंबल बांटे थे बहुत सारे, और जयपुर में जाके हर जगह, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अलग अलग वे में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्रैकर्स नहीं फोड़े मैंने मतलब 8 साल से, 8-9 साल से। तुम सब बताओ तुम्हें कैसा लगता है दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। रिमझिम सिन्हा कह रहे हैं उन्होंने बारिश वाली दिवाली दिवाली सेलिब्रेट करी, कैसे बारिश वाली दिवाली, तो बड़ी यूनिक लग रही है सुनने में। रमन सिंघाई कह रहे सर पॉल्यूशन को लेकर मैं सीरियस था सो मैंने क्रैकर्स नहीं फोड़े। अच्छा क्या बात है रमन भाई। आल अमीन शिखदर कह रहे हैं और बेस्ट सॉन्ग सुनना चाहूं प्लीज, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहोगे अमीन शिखादर भाई। दर्शन पाराशर कह रहे हैं भाई पुष्कर में आ जाओ ना यार, अभी पुष्कर में अभी मेला चालू होने वाला है तो आ जाओ ना भाई। आई होप दर्शन पाराशर भाई, आई होप मैं आऊं कभी पुष्कर मेले के लिए। मेघा कश्यप कह रही है मैंने बहुत मस्ती की है एंड नहीं छोड़ा चाहिए, सेफ दिवाली रही। अच्छा क्या बात है। अबूजर खान कह रहे फिर मुझे से पुकारते हूँ। प्रभत मेहरा कह रहे हैं योर सॉन्ग्स हार्ट टचिंग यार ऑसम, थैंक यू प्रभत मेहरा। त्रिलोकी शुक्ला कह रहे मोहित भाई यू आर सो स्वीट, थैंक यू यार। आदर्श कह रहे हैं लिमिट्स में भी नहीं फोड़ता पटाखे फोड़ने में क्या मजे। अच्छा ऐसा क्या आदर्श। बबलू धाकर कह रहे ब्रो जयपुर कब आओगे, ब्रो वी मिस यू एंड लव यू ब्रो अर्ली कम्स, मतलब वो कह रहे जल्दी आओ। ओके बबलू भाई मैं पक्का जल्दी आऊंगा, पक्का जल्दी आऊंगा।
तान्या गिर कह रही है मैंने इस दिवाली पे पहली बार रंगोली बनाई। अरे वाह, मुझे क्रैकर्स अच्छे नहीं लगते और डर भी लगता है। पहले बस फुलझड़ी जलाती थी, लास्ट 3 ईयर से जब से मेरा कैट कल्लू पैदा हुआ है तब से वो भी बंद, ओनली दिए। क्या बात है तान्या, ये तो बहुत बहुत प्यारी सी आपने बात शेयर करी। चित्रांश कह रहे हैं, चित्रांश ने क्या क्या दिन याद दिला दिया यार, 15 नवंबर 2015 रात को कमले बांटे थे, आ जाओ वापस करते हैं यार। आई होप यार वापस आऊंगा कभी तो वापस से कुछ कुछ भी करेंगे अच्छा सा, कुछ जो दिल को अच्छा लगे। पापिया कह रही लव यू, आई लव यू टू पापिया। प्रिया बजाज कह रही आई मिस्ड योर लास्ट लाइव चैट। कैसे मिस कैसे कर दी वाप, तो इस बार आ गया ना, मिस हो जाए ना लाइव चैट कोई दिक्कत नहीं यार, कोई टेंशन नहीं, वापस से देख लिया करो। एक हफ्ते तक रहती, मतलब रहती तो हमेशा है पेज पे, तो तुम देख सकते हो ऐसा। गोयल हर्षू न्यू सॉन्ग कब सुनाओगे बताओ ना, नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा आपका, वेट कर रहे हैं हम। ऐसा क्या, तो भाई है ना मतलब न्यू सॉन्ग जल्दी आने वाला है, उसी पर वर्क कर रहे हैं। अगर मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं ना तो मैं तुमको पक्का उस सॉन्ग के बारे में बता देता, हो सकता सॉन्ग अभी सुना भी देता तुम सबको, लेकिन नहीं नहीं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जल्दी वो बहुत ही खूबसूरत एक सॉन्ग आप सबके लिए आने वाला है। इतना खूबसूरत है कि मतलब मेरा अभी करंट फेवरेट सॉन्ग चल रहा है वो, और अगर शायद मैं तुमको सुना दूंगा तो शायद तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा। हाँ मुझे ऐसा लगता है, तो बताऊंगा जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो। किट्टी चौहान कह रही है बहुत क्यूट स्माइल है आपकी, थैंक यू यार किट्टी। यार स्माइल करते हो तो सब अच्छे लगते हैं, ऐसा ऐसा होता है मतलब। सनुजा दास कह रही है आई लव यू योर वॉइस योर स्माइल जस्ट लव यू, थैंक यू यार सनुजा दास। अरे यार मेरे को यार थोड़ी सी मतलब क्या कहूँ, मतलब थोड़ी सी शर्म आ जाती है यार ऐसे, मतलब बार बार तुम कहते हो तो यार थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगता है, मतलब क्या बताऊँ अभी कैसा लगता है। मतलब खुशबू तात्या कह रही वी वॉन्ट अ धमाका विद योर वॉइस नॉट विद क्रैकर्स। आई हाय खुशबू यार शानदार, क्या कमेंट किया तूने, मतलब मजा आ गया। शैलेंद्र वर्मा कह रहे हैं डू यू रिमेम्बर मी, आई एम शैली एंड लव यू। शैलेंद्र वर्मा कैसे हो भाई। चंद्र प्रकाश भैया आज संडे है, वाओ आई एम एक्साइटेड, आई एम वेटिंग फॉर यू, लव यू भैया। अरे यार ऐसे प्यार से बोलते हो यार। छवि शर्मा कह रही बिलेटेड हैप्पी दिवाली मोहित, लॉट्स ऑफ लव टू यू टू छवि शर्मा, यार बिलेटेड हैप्पी दिवाली आपको भी। तान्या कह रही बैकग्राउंड बहुत प्यारा है, थैंक यू यार। सिबिल कह रहे कट योर हेयर प्रॉपरली ब्रो प्लीज। नहीं यार सिबिल मेरे को तो अच्छा लगता है यार, सिविल मुझे अनसिविल रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम जंगली जैसा याहू। अरे तुम्हें तो पता है सिक्स्थ क्लास के अराउंड है ना, मेरे को एक बार डंडा भी पड़ा था मेरे स्कूल में, मतलब मैं अलग थलग से बाल रखता था ना, तो है ना मुझे सिक्स्थ क्लास की बात है मेरे को याद है, असेंबली से मुझे हमारी आइडा मैम हुआ करती थी सेंट पॉल स्कूल में, तो आइडा मैम ने मुझे बुलाया कि यू कम हियर, मेरे को बुलाया स्टेज पे असेंबली के सबके सामने खड़ा किया और जोर से मेरा डंडा मारा मेरे पाँव पे और बोला सबको कि ये वो इसको इसलिए मार पड़ रही है इसके जैसे बाल नहीं चलेंगे स्कूल में, और तुम सब सबको मतलब सब बच्चों को धमकाने के लिए कि अगर तुमने भी ऐसे बाल रखे तो तुम्हारे भी मतलब डंडा पड़ेगा। तो है ना मैंने क्या किया, वो कट ऐसी थी मैं हटा भी नहीं सकता हूँ और है ना मतलब वैसे बाल लेकर भी ना सकता हूँ, तो वो नहीं आता था वो एक स्कार्फ आता था, मतलब बचपन में तुमने कभी पहना हो वुलन स्कार्फ होता था, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस टाइम सर्दियाँ चल रही थी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो हेड कवर हो जाता था और यहाँ पे वो उसकी मतलब गांठ बनती थी, यहाँ पे नोट बनती थी उसकी जो भी कहते हैं उसको, तो वो स्कार्फ पहन के जाता था मैं स्कूल एक दो महीने तक, जब तक वो हेयर स्टाइल नॉर्मल नहीं होगी ना तब तक मैं वो एक दो महीने तक वही स्कार्फ पहन कर जाता था स्कूल में। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया था मार से बचने का और मेरे बाल रखने का। वाह क्या क्या राइम हुई है, मतलब मजा आ गया भाई। नीलिमा करकटे कह रहे आप मुझे रिप्लाई ही नहीं करते हो। नीलिमा तो आपका कमेंट ही नहीं दिखता है मुझे, आप बार बार कमेंट करोगे ना तो मुझे दिखेगा अच्छे से ऐसा, क्योंकि एक बार कमेंट करोगे ना तो उसके लिए फर्र ऐसे फटफट से ऊपर चला जाएगा इसलिए। स्वाति जायसवाल कह रही है फर्स्ट टाइम टू सी यू लाइव लुकिंग क्यूट लव यू हैप्पी दिवाली, थैंक यू स्वाति जायसवाल। यार ऐश्वर्या ठकरा कह रही हो ऐसे क्यों, अच्छा स्टोरी सुन के क्या। निकिता गोए कह रही हा 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 और किसेस भी आए निकिता,
डार्लिंग है तू। अभी गोस्वामी कह रही है, मोहित सर आप ना जब कैप लगाते हैं ना तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, और मैं भी सिंगर होना चाहता हूँ, प्लीज कोई एडवाइस दीजिए ना प्लीज सर। अरे वाह, अरे शानदार। बताऊं बात भाई एक तुमको, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब आपको कुछ भी बनना हो ना लाइफ में, कुछ भी एक्स वाई जेड, सिर्फ सिंगर या म्यूजिशियन या इंजीनियर या डॉक्टर नहीं, कुछ भी अगर ऐसा बनना हो, मैंने फील किया कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब दिल से चाहते हो ना कुछ करना कुछ पाना, तो ऐसा लगता है वो अपने आप हो जाता है। और उस अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो और उसके लिए आप चीज़ वो काम कर रहे हो ना, वो वर्क कर रहे हो, तो आई फील कि वो आपको चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, भले वो कुछ भी हो, भले हो सकता है वो अभी नहीं देर से मिले या बहुत देर से मिले, लेकिन वो मिलेगी ज़रूर। तो आप प्लीज़ उसकी तरफ, मतलब अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो आप उसके लिए हमेशा उसको, उस चीज़ को प्यार करते रहना, इस चीज़ को चाहते रहना, इस चीज़ की तरफ हार्डवर्क करते रहना, वर्क करते रहना, मेहनत करते रहना, और आई एम श्योर आपको वो ज़रूर हासिल होगा। ओ ओ ओ ओ गोयल हर्षू कह रहे कैप क्यों नहीं लगाई आज ये तो बताओ, ऐसी मेरी इच्छा नहीं करी यार, मैं फील वाला आदमी हूँ यार, मेरी जो फील करती है मैं वो करता हूँ। शानदार, सब चलता है अपन को, कूल मैन। मोहित आर्या राम राम भाई, मोहित आर्या का मोहित भाई को राम राम, क्या बात है मोहित आर्या भाई। मेरे को ऐसा लगा आपने बड़ी फिल्मी अंदाज में ये विश कराया, मतलब ये बात कही है, बहुत शानदार लगी मुझे मुझे। अरे चित्रा वर्मा कह रही मोहित मुझे भी तुम्हारी तरह हेयर कट के लिए एक स्लैप लगा टीचर से स्कूल टाइम में, और बाप रे। नहीं यार स्लैप नहीं लगा, मुझे डंडा मारा था सीधे, खतरनाक वाला, बताओ। और पापिया कह रही है मेरा रसगुल्ला हो तुम, अच्छा रसगुल्ला, वाह रसगुल्ला तो पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन गुलाब जामुन और उसके ऊपर आइसक्रीम, मतलब मैंने आइसक्रीम खाना बहुत कम कर दिया, लेकिन जब गर्म गर्म गुलाब जामुन होता है और उसके ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम होती है, जो दोनों का न्यूट्रल हो जाता है टेम्परेचर, और तब खाने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ होता है करे के लिए। नेहा दुबे कह रही है आपके जैसी सोच ना वैसे हमें बहुत पसंद है, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, यू आर वेलकम यार। अरे ऐश्वर्या ठकराल कह रहे मुंह वो डायलॉग ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मैंने मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल सही बात है ये ना, सबसे पहले पॉलो कॉलियो की एक बुक है द एल्केमिस्ट, उसमें मतलब ये कोटेशन था और फिर वहां से वो मूवी में यूज हुआ। तो है ना पॉलो कॉलियो की मतलब बुक्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने एल्केमिस्ट पढ़ी है और शायद ये अकेली बुक है जो मैंने पढ़ी है, और इसके अलावा मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। तान्या ने मुझे बर्थडे पर बहुत प्यारी सी एक नॉवल गिफ्ट करी थी और वो मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ तानिया, तो उसके लिए पहले तो मैं सॉरी कह रहा हूँ यार, लेकिन मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, जल्दी पढ़ूंगा जब भी टाइम लेगा। तो अभी 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 मेरी जाने मनो जाने का टाइम आ गया है, नेक्स्ट संडे को मिलने का टाइम आ गया है, तो मेरी जाने मनो अभी मैं जाता हूँ। तुम सब प्लीज अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, जिसकी इच्छा हो उसका ध्यान रखना, एंड प्लीज हमेशा प्यार करते रहो, आनंद में रहो। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द लव फ्रॉम माय हार्ट, आई लव यू, प्लीज टेक केयर, एंड नेक्स्ट संडे फिर से मिलते हैं, ठीक है, बाय।